अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और एमडी कैट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम के तकरीबन जहनों में इस वक्त ये सवाल है कि क्या पीएमडीसी की बहाली होगी या नहीं होगी। ये न्यू काउंसिल तो बन चुकी है, एमडी कैट का टेस्ट अब प्रोविंशियल होगा या फिर फेडरल लेवल पर ही, नेशनल लेवल पर ही होगा। तो ये वो कॉमन सवाल आते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस वक्त जहनों में हैं। और जो कुछ अलग अलग स्पेसिफिक सवाल आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपने मार्क्स बता रहे हैं कि उनके इतने मार्क्स हैं तो वो फिर इस साल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो पिछला रिजल्ट था उसकी तो किसी हद तक मैंने कोशिश की थी कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। तो जो स्पेसिफिक सवाल हैं उनके जवाब भी मैं अपनी वीडियोज़ के ज़रिए इंशाल्लाह आपको देता रहूँगा। कोशिश करता रहूँगा कि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर की जा सकें और बड़ी हद तक उनमें कमी लाई जा सके। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी सवालात हैं वो तमाम के तमाम उनके जवाबात में दे सकूँ। और इंशाल्लाह आज, कल और परसों तक हम मैक्सिमम सवालात को कंसीडर करके और उनको फिर उनके जवाब देने की कोशिश इंशाल्लाह ताला पूरी पूरी करेंगे। अब ये जो पीएमडीसी की बहाली वाला मामला है, सेनेट के सेशन वाला मामला है और फिर सूबाई लेवल पर एमडी कैट के होने का मामला है, ज़रा इसकी मैं थोड़ी सी आप लोगों को वजाहत कर दूँ कि अब्दुल कादिर पटेल साहब जो वज़ीर सेहत हैं, जब उन्होंने एमडी कैट के डिले करने का ऐलान किया था तो उस वक्त उन्होंने बड़ा वाज़े अंदाज़ में ये कहा था कि सूबों से अब मुशावरत की जाएगी और सूबों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो ये इशारा था इस जानिब कि 90 से 95% चांसेस यही हैं और मे बी इससे भी ज़्यादा चांसेस हों कि अब एमडी कैट को डिले इसलिए किया गया है कि ज़ाहिर है सेनेट सेशन कुछ दिन में कॉल होना है, वो सैलाब की सूरत हाल की वजह से नहीं हो पा रहा। तो सेनेट का सेशन हो, उसमें पीएमडीसी का बिल फाइनली अप्रूव हो, पीएमडीसी फंक्शनल हो जाए। जब वो फंक्शनल हो जाएगी तो जिस तरह वो पहले फंक्शनल हुआ करती थी, जिस तरह वो पहले मामलात को चलाया करती थी, वो तमाम सूबाई लेवल पर हुआ करते थे, तो बिल्कुल उसी तरह से फिर सूबाई लेवल पर ही ये होगा। लेकिन इसकी कन्फर्मेशन के लिए हमें सेनेट के इजलास का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग को याद होगा मैं आपको मुस्तकिल कह रहा था कि एमडी कैट पहले डिले होगा। वो एक हफ़्ते के लिए डिले हुआ, सब लोगों ने कहा कि ये तो सिर्फ एक हफ़्ते डिले हुआ है, कहीं ये सिर्फ 10-12 दिन डिले हुआ है। मैं उस वक्त भी आप लोग को बता रहा था कि देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कन्फर्म खबर दे रहा हूँ कि ये एमडी कैट को भी डिले होना है, पीएमडीसी को बहाल होना है। फिर आपने देखा नई काउंसिल बनी, एमडी कैट डिले हुआ, तो अब ये डिले हो चुका है। जब तक पीएमडीसी बहाल नहीं होती और जब तक पीएमडीसी फंक्शनल नहीं हो जाती बहाल होने के बाद, तो उस वक्त तक ये नहीं हो रहा। ज़्यादा 95% मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि इम्कान यही है कि ये सूबाई लेवल पर ही होगा। इशारा हुकूमत की जानिब से और जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से दिया जा चुका है। तो वो कहते हैं ना कि अकलमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और आप सब माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा अकलमंद हैं क्योंकि आप इतनी मेहनत से इतनी मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आप इशारे को समझें। और अब इशारा क्या बल्कि वाजे तौर पर अब तो ऐलान ही किया गया है, तो उसके अमल होने में जो थोड़ा सा टाइम होता है, मुझे पता है कि कन्फ्यूजन इस दौरान बहुत होती है क्योंकि टेस्ट की तैयारी भी करनी है, फिर अब सिलेबस वो कौन सा वाला अप्लाई करें, वो सूबाई वाला अप्लाई करें या जो फुल कोर्स है उससे तैयारी करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इन प्रॉब्लम्स को, इन कन्फ्यूजन्स को दूर भी करता चलूँ। लेकिन अभी 1-2 दिन में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि सेनेट का इजलास कब होने जा रहा है। जब वो इजलास होगा तो इसका मतलब होगा कि पीएमडीसी बहाल होने जा रही है। जब पीएमडीसी बहाल होगी तो इसका मतलब ये होगा कि एमडी कैट प्रोविंशियल लेवल पर होने जा रहा है। तो फिर मुझे पता है उस दिन आप लोगों को किसी हद तक काफ़ी इत्मीनान आ जाएगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम खबरें, ये तमाम वीडियोज़ आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें और आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपके कुछ सवालात के जवाब के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।